ऊपर से ये हो रहे हैं, हमारे से 10% पैसा लिया जाता है, हम कहां से दे, हमारी सरकार सैलरी थोड़ी देती है। उसकी चीज का मेरे पास सबूत है, और उस चीज का अगर सबूत आप देखना चाहो बैठो, अगर उस चीज का सबूत आप देखना चाहो तो मेरे पास में कंप्यूटर लगाओ, ये पेन ड्राइव है जो ये ट्रांसफॉर्म वाली, एक मिनट भैया, टीचर को किस एंगल से देखा जाता है, अच्छा है या बुरा, वो तो वो मैं भी बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं सफाई सफाई से कह रहा हूँ, अगर लैपटॉप हो तो लाके और इसे आराम से जनता के बीच चलाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर भी मैं एक निवेदन और कर रहा हूँ, एमएलए साहब बैठ जाइए, आपकी विधानसभा नहीं है, मैं फिर एमएलए साहब से कह रहा हूँ, बजट दो जनता आपकी है, बजट दो जनता आपकी है, बाकी मैं अगर 51 लाख रुपए का बजट ही देते ग्राम पंचायत में तो ही बजट लिया जाएगा, 10 लाख 20 लाख मुझे नहीं चाहिए, मैं वो देख लूंगा कौन विकास कौन बजट लाता है और कौन यह धरातल में काम कराता है, देना है तो एमएलए साहब का स्वागत है, 51 लाख रुपए परंपरा के लिए घोषित हो, मेरे संस्थान मेरे स्कूल के 2 हॉल पेंडिंग पड़े हैं और चारों तरफ का बाउंड्री बाकी है, अभी ये कह रहे थे सीपीओ साहब रेवड़ी बांट रहे थे हर जगह विधानसभा में पैसे दिए, मेरे अंडर में 8 स्कूल आते हैं मेरी छोटी बड़ी पंचायत की, अभी तक इन्होंने एक रुपया इन पंचायत को नहीं मिला, ना तो एमएलए लैंड से मिला ना एमपी लैंड से मिला, ला रहा हूं पैसे मेरे बलबूते से ला रहा हूं। और दूसरी चीज सर, एक मिनट है सर, आपकी बात रखो, आप तो देखिए मैं फिर वो कहता हूँ, मेरे को पता है ये कल को वो भी करेंगे, दुख मेरी अगर बुराई होगी तो होगी, बाकी हम वो गद्दार नहीं है जो पीछे से काटे, सामने बैठा है उसको कहो वो विपक्ष हो सकता है, बाकी अगर ये एमएलए साहब ये करेगी मैं वो कर दूंगा, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। दूसरी बात, इस टीचरों से मेरा एक निवेदन रहेगा, आप जो राजनीतिक पावर में चल रहे हैं ना, उन जड़ों का मेरे को अच्छी तरह से याद है, वो दिमाग से कचरा है जो निकाल दे, बच्चों पे ध्यान दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पदमपुरा ही है, ना तो किसी से प्रेशर में जीना सीखा है और ना प्रेशर में आना सीखा है, अगर सरपंच जी करना जानते हैं तो अधिकारियों को इधर उधर उठा के डालना भी जानते हैं, बच्चों को पढ़ाओ, कोई तकलीफ है एमएलए साहब से भी होगी तकलीफ तो भी उसको झेलेंगे, पहले मेरा सीना है, बाद में बच्चों का, टीचरों का, जनता का है, ये अच्छे टीचर किस एंगल से देखते हैं मैं नहीं जानता हूँ, बाकी जो टीचर पढ़ा रहे हैं मेरे अच्छे हैं। एमएलए साहब ने कभी ये भी पूछा कि यहाँ से टीचर बाहर कितने ड्यूटी लगा रखे, क्यों लगा रखे, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, आज दिन तक पूछा सीबीओ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और जो गोले